हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम व्हाट्सएप की कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। हमने व्हाट्सएप चैट की 12 इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो पार्ट वन वीडियो में सीखी, तो उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पे दिए लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम अलग से व्हाट्सएप की 13 और इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। टिप नंबर वन, व्हाट्सएप वेब, मतलब आप अपना व्हाट्सएप है वो अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना लैपटॉप पे कोई ब्राउजर ओपन करना है जैसे गूगल क्रोम, और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप वेब सर्च करना है, और यहाँ पे जो व्हाट्सएप वेब का लिंक है इस पर क्लिक करना है आपको। तो इससे व्हाट्सएप वेब का एक वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पे आपको एक स्कैनर कोड दिखेगा। नेक्स्ट आपको अपने व्हाट्सएप को मोबाइल पे ओपन करना है और चैट्स पे आना है, और यहाँ पे जो राइट में 3 डॉट्स है उन पर क्लिक करना है। यहाँ उसके बाद आप सेटिंग्स पे क्लिक करो, और नेक्स्ट आपको जो स्कैनर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो सेकेंड ऑप्शन है स्कैन कोड, इससे व्हाट्सएप का जो लैपटॉप पे स्कैनर कोड है उसको स्कैन करना है। तो स्कैन कोड पर क्लिक करो और यहाँ उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका व्हाट्सएप है वो लैपटॉप में ओपन हो गया है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको व्हाट्सएप वेब का कुछ डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि आप एक व्हाट्सएप अकाउंट है उसको एट ए टाइम 5 डिवाइसेज में ओपन कर सकते हो, एक तो आपके फ़ोन में और इसके अलावा आप 4 अलग डिवाइसेज में भी ओपन कर सकते हो। और नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है कि आपको अगर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से कुछ व्हाट्सएप कॉल्स करने हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप फॉर विंडोज़ वाला सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना होगा। तो आप यहाँ गेट इट हियर पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आपको वो सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जो भी आपकी चैट्स थी वो सब दिख रहे हैं। या 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो न्यू ग्रुप, स्टार्ट मैसेजेस, सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट फोन में जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सारे यहाँ पे भी दिख रहे हैं। टिप नंबर 2, शेयर लोकेशन, मतलब आप अपने कोई भी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है उसके साथ अपनी लोकेशन, करंट लोकेशन या लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो। तो लेट से मैं अमन के साथ अपनी लोकेशन शेयर करता हूँ, तो उसको ओपन करना है, फिर यहाँ पे जो फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको लोकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप को अपनी लोकेशन एक्सेस की परमिशन देनी होगी, और यहाँ पे आप अपनी करंट लोकेशन है उसको सेंड कर सकते हो। तो आपको सेंड योर करंट लोकेशन पे क्लिक करना है, तो इससे आपकी करंट लोकेशन चली जाएगी। इसके बाद अगर आपको अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी है तो फिर से फाइल अटैचमेंट पे क्लिक करो, लोकेशन पे क्लिक करो, और यहाँ पे जो शेयर लाइव लोकेशन है उस पर क्लिक करना है। तो इसमें आप 15 मिनट, 1 घंटे, 8 घंटे, जितनी भी देर आपको लोकेशन शेयर करनी है किसी के साथ वो कर सकते हो। लेट्स से मैं 15 मिनट्स के लिए शेयर करूँगा, तो इस पर क्लिक करूँगा। तो अब इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट को 15 मिनट्स के लिए मेरी लाइव लोकेशन का पता चलेगा। यहाँ पे मैं स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करके इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ। टिप नंबर 3, ऑटो डिलीट मैसेजेस। तो व्हाट्सएप आपको अपने मैसेज है उनको डिसअपीयर या डिलीट करने का ऑप्शन देता है। आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट है उससे जो भी चैट्स हो रही है वो हर एक 24 घंटे के बाद डिलीट होती रहे, तो इसके लिए आपको उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, उसकी चैट्स पे जाना है। लेट्स से मैं अमन पे जाऊंगा, उसके बाद आपको इस कॉन्टैक्ट के नाम पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा है डिसअपीयरिंग मैसेजेस, तो अभी के लिए ऑफ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अमन के साथ जो भी बातें हो रही है हर 24 घंटे में वो डिलीट हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ 24 आवर्स करूँगा। आप चाहते हो तो 7 डेज कर सकते हो या 90 डेज भी कर सकते हो, तो लेट्स से मैं यहाँ पे 7 डेज कर देता हूँ। तो हर 7 दिन में अमन के साथ जो भी चैट हो रही है वो डिलीट होती जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके डिसअपीयरिंग या डिलीटेड मैसेजेस है वो चैट बैकअप में सेव नहीं होंगे। टिप नंबर 4, व्हाट्सएप मैसेज विदाउट सेविंग कॉन्टैक्ट नंबर। तो कई बार आपको किसी अननोन पर्सन के साथ कुछ इन्फो शेयर करनी होती है व्हाट्सएप के जरिए। लेट से आपको डिलीवरी गाय के साथ लोकेशन शेयर करनी है, तो आप उसका नंबर सेव किए बिना उसके साथ लोकेशन शेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे ब्राउजर ओपन करना है जैसे गूगल क्रोम, यहाँ पे आपको टाइप करना है wa.me/, इसके बाद आपको अपनी कंट्री का कोड डालना है जैसे इंडिया का 91 हुआ, पाकिस्तान का 92, बांग्लादेश 880, तो यहाँ पे इंडियन कोड डालूंगा मैं 91, और उसके बाद मैं एक रैंडम नंबर डालता हूँ। इंडिया में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, तो मैं यहाँ पे 10 डिजिट एंटर करता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करोगे व्हाट्सएप का API ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर पर्सन से बिना उसका कॉन्टैक्ट सेव किए चैट कर सकते हो। टिप नंबर 5, व्हाट्सएप प्रोटेक्शन। तो बेसिकली आप अपने फ़ोन पे लॉक लगाते ही हो, इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप को भी लॉक करना है तो इसके लिए आपको चैट्स पे क्लिक करना है, नेक्स्ट 3 डॉट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट सेटिंग्स, देन अकाउंट, नेक्स्ट प्राइवेसी, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आप फिंगरप्रिंट लॉक है उसको इनेबल करके व्हाट्सएप को और सिक्योर कर सकते हो। टिप नंबर 6, हाइड प्रोफाइल पिक्चर। तो कई बार आपके फ्रेंड्स आपको कोई रैंडम ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी प्रोफाइल है उनको दिखे, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पे आना है, अकाउंट पे क्लिक करना है, प्राइवेसी, और यहाँ पे आप जो प्रोफाइल फोटो है अभी के लिए एवरीवन है,
तो आप चाहो तो सिर्फ माई कॉन्टेक्ट्स मतलब अपने कॉन्टेक्ट्स कर सकते हो, या किसी को नहीं दिखाए तो नोबडी कर सकते हो। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। टिप नंबर 7, टर्न ऑफ मैसेज प्रीव्यूज। मतलब कई बार अगर आप फ़ोन से दूर हो तो कोई भी आपके मैसेजेस वगैरह है उनके प्रीव्यू देख सकता है, इवन आपका फ़ोन लॉक हो तो भी देख सकता है। तो मैसेज प्रीव्यूज ऑफ करने के लिए आपको सेटिंग्स पे आना है, नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस। तो अभी के लिए इनेबल्ड है, आप इसको डिसेबल कर सकते हो। अगर आप चाहो कि कोई भी रिएक्शन नोटिफिकेशंस भी ना दिखे तो आप उसको भी यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। टिप नंबर 8, रिमूव व्हाट्सएप फोल्डर फ्रॉम गैलरी। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी गैलरी में व्हाट्सएप की जो इमेजेस या व्हाट्सएप की वीडियोज है वो सेव हो, तो इसके लिए आपको यहाँ से सेटिंग्स पे आना है, चैट्स पे क्लिक करना है, फिर आपको चैट सेटिंग में यहाँ मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है। मतलब अभी अगर ये इनेबल्ड है तो आपकी गैलरी में व्हाट्सएप की जो भी इमेजेस या वीडियोज है वो सेव होंगे। आप इसको डिसेबल करोगे तो आपके कोई भी इमेजेस या वीडियोज है वो गैलरी में सेव नहीं होंगे। टिप नंबर 9, म्यूट ग्रुप नोटिफिकेशंस। तो कई बार कोई एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप की चैट से आप मान लो इरिटेट हो रहे हो तो आप उसके नोटिफिकेशन से उसको ऑफ कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे बडीज व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, फिर यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप म्यूट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके जितने भी टाइम के लिए इसको म्यूट करना कर सकते हो। आप ऑलवेज पे क्लिक करोगे तो इस ग्रुप में जो भी चैट्स होगी उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, आप यहाँ ओके कर सकते हो। या फिर कोई दूसरे टाइम के लिए आपको सेव करना है तो आप वो भी कर सकते हो, या 8 आवर्स, 1 वीक, जितने टाइम के लिए आपको म्यूट करना है वो कर सकते हो। टिप नंबर 10, चैट स्टोरेज कंजम्पशन। मतलब अगर आपको जानना है कि किसके साथ आपकी चैट है वो आपका ज़्यादा स्टोरेज खा रही है, तो इसके लिए आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाओ, फिर आपको स्टोरेज एंड डेटा पे क्लिक करना है, और यहाँ मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करना है। तो जिस भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के साथ आपकी ज़्यादा चैट हुई है इंक्लूडिंग इमेजेस वीडियोस, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर्ड है। तो आप देख सकते हो कि सुरेश के साथ जो चैट है वो आपका सबसे ज़्यादा स्पेस खा रही है, ऑलमोस्ट 12 MB, फिर जो बडीज ग्रुप है वो 2.9 MB। तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे मेमोरी यूजेज के हिसाब से सॉर्टेड होके आएंगे। टिप नंबर 11, क्विक रिव्यू एंड डिलीट फाइल्स। तो कई बार कोई पर्टिकुलर फाइल्स होती है वो ज़्यादा व्हाट्सएप स्पेस खाती है, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पे आना है, स्टोरेज एंड डेटा पे आना है, फिर आपको मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करना है। तो इसमें क्योंकि ज़्यादा चैट्स नहीं है तो नहीं दिख रहा है, बट अगर आपकी बहुत सारी चैट्स हुई है, आपने बहुत सारी फाइल शेयर की है एक दूसरे के साथ, तो आपको यहाँ पे रिव्यू एंड डिलीट आइटम्स करके एक फोल्डर दिखेगा। तो इसमें जो भी फाइल ज़्यादा सर्कुलेट हुई है या कोई भी फाइल जो ज़्यादा स्पेस खा रही है उनको आप सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। टिप नंबर 12, मीडिया ऑटो डाउनलोड। तो बेसिकली व्हाट्सएप की इस सेटिंग के जरिए आप अपने नेटवर्क यूज है उसको और एफिशिएंट बना सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, स्टोरेज एंड डेटा पे क्लिक करना है। तो इसमें आपको मीडिया ऑटो डाउनलोड वाला सेक्शन दिख रहा है, और इसमें 3 ऑप्शंस है, व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, और उसके नीचे फोटोज दिख रहा है, व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, व्हेन रोमिंग। तो आप कोई भी पर्टिकुलर टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हो उसमें किस टाइप की फाइल से उनको ऑटो डाउनलोड करना चाहते हो वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो आप अगर मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे फोटोज़ है, मतलब सिर्फ फोटोज़ ही डाउनलोड करना चाहते हो। अगर वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आप फोटोज़, वीडियोज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबको डाउनलोड कर दो। व्हेन रोमिंग, मतलब आप रोमिंग पे हो तो नो मीडिया, मतलब कुछ भी डाउनलोड मत करो। तो यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन 3 ऑप्शंस में क्या क्या डाउनलोड करना है वो फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। टिप नंबर 13, या इस वीडियो की लास्ट टिप, वो है नेटवर्क यूजेज इन व्हाट्सएप। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका नेटवर्क डेटा है वो व्हाट्सएप में सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, फिर स्टोरेज एंड डेटा पे क्लिक करना है, नेक्स्ट आपको नेटवर्क यूजेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका नेटवर्क डेटा कॉल्स में कितना जा रहा है, मीडिया पे कितना गया है, और यहाँ पे आपको अपलोड और डाउनलोड ये दोनों नेटवर्क यूजेज है वो सब बताएगा। गूगल ड्राइव में कितना जा रहा है, मतलब ये बैकअप वाला डेटा है। मैसेजेस में कितना गया, स्टेटस, रोमिंग। तो यहाँ पे ये सब स्टेट्स हैं, आप अपनी व्हाट्सएप एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हो। तो ये थी व्हाट्सएप की 13 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको व्हाट्सएप चैट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है तो व्हाट्सएप का पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखें। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो।